आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बड़वानी जिले के पानसेमल से, जहां हाईकोर्ट इंदौर के न्यायालयीन आदेश का मामला सामने आया, जिसके चलते प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर हलचल तेज हो गई। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर में लगी एक रीट याचिका के आदेश का पालन करने के लिए याचिकाकर्ता ने कलेक्टर बड़वानी और सीएमओ नगर परिषद पानसेमल को हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेश का पालन करने के लिए लिखित आवेदन दिया है। हाईकोर्ट ने नगर परिषद पानसेमल के अध्यक्ष शैलेश भंडारकर के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी और निर्धारित समय सीमा में जवाब मांगा। आपको बता दें, याचिकाकर्ता राधिका मुरलीधर साटोटे पानसेमल नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 9 से भाजपा की पार्षद है, जिन्होंने भाजपा के ही नगर परिषद के अध्यक्ष और वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद शैलेश भंडारकर के खिलाफ हाईकोर्ट इंदौर में रीट याचिका दायर कर आरोप लगाए कि इन्होंने फर्जी दस्तावेज पेश कर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चुनाव लड़ा। आदेश जारी हुआ है, नगर परिषद में प्राप्त हुआ है, उनके प्रभाव को लेकर आदेश में जिक्र किया गया है माननीय न्यायालय ने, और तो माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा वो पालन किया जाएगा और आगे की जो भी कार्रवाई करना रहेगी निकाय स्तर से की जाएगी। वकील से अभिमत लेके हम जवाब प्रस्तुत कर देंगे। याचिका में याचिकाकर्ता राधिका मुरलीधर साटोटे ने आरोप लगाया कि वर्तमान अध्यक्ष मध्यप्रदेश के मूल निवासी न होकर गुजरात के मूल निवासी है, जिन्होंने नगर परिषद पानसेमल का अध्यक्ष पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, जिस पर फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ा। रीट याचिकाकर्ता इस संबंध में प्रारंभ से ही शिकायत करता रहा, लेकिन अंत में हाईकोर्ट में जाने के बाद न्यायालय ने 2 मई 2025 को आदेश पारित कर नगर परिषद के अध्यक्ष शैलेश भंडारकर के वित्तीय अधिकारों को रोक दिया। इस पूरे मामले पर पार्षद राधिका साटोटे के पति मुरलीधर का क्या कहना है, विस्तार से जानते हैं उनकी जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम है मुरलीधर साटोटे, निवासी पानसेमल। आज कलेक्ट्रेट आया हूँ जी। क्या है पूरा मामला? यह है सर कि मेरी पत्नी श्रीमती राधिका साटोटे वार्ड क्रमांक 9 से पार्षद है, उन्होंने नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, जिसमें तत्कालिक अध्यक्ष शैलेश भंडारकर द्वारा फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र तैयार किया गया था। उसके आधार पर हमने शिकायत की नीचे। सबसे पहले हमने SDM में शिकायत की, उसके बाद कलेक्टर में की शिकायत, फिर हमने एक चुनाव याचिका लगाई। चुनाव याचिका हमने जिला न्यायालय में लगाई। जिला न्यायालय में हमारी ये याचिका इस ऐसा कहकर लौटा दी गई कि भाई गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, गजट नोटिफिकेशन के अभाव में हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट में हमारी याचिका सुनी गई। वो याचिका में वर्तमान अध्यक्ष के वित्तीय प्रभार पे स्टे लगाया गया है। कैसे इन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र दर्ज कराया? कौन सबसे पहले इन्होंने एक राशन कार्ड बनाया, राशन कार्ड गुजरात का निवासी होकर MP में राशन कार्ड झूठे शपथ पत्र दे के बनाया। उसके बाद इन्होंने अपने भाई का जाति प्रमाण पत्र बनाया, वो भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाया। फिर इनका जाति प्रमाण पत्र बनाया, उसके बाद में फिर ये चुनाव के समय इन्होंने डिजिटल बनाया और उसके आधार पर चुनाव लड़ा। और चुनाव के समय हमने रिटर्निंग ऑफिसर जो RO साहब थे उनको अवगत कराया था। चुनाव के दिन हमने आपत्ति भी ली, हमारे संबंधित मित्र पार्षदों ने आपत्ति भी ली, लेकिन पार्षद उनके विरोध में हमारी पत्नी को उनको 7 मिले थे और उनको 8 वोट मिले थे। पहले वो कौन सी जाति का उनके पास प्रमाण पत्र था और अभी कौन सी जाति का? गुजरात में उन्हें उनके पास में दर्जी का रिकॉर्ड है, स्कूल का, उनकी शिक्षा दीक्षा टोटल उनकी गुजरात की है, उनके जनरल रजिस्टर में दर्जी जाति दर्ज है, और राशन कार्ड में उन्होंने जब आवेदन दिया उसमें भंडारकर जाति का उल्लेख किया है शपथ पत्र में। उसके बाद उन्होंने सिंपी जाति का प्रमाण पत्र हस्तलिपिक बनाया, उसके बाद डिजिटल CP का बनाया, बल्कि ये सिंपी जाति कहीं भी आरक्षित वर्ग की सूची में नहीं है, पिछड़ा वर्ग की सूची में नहीं है। और इन्होंने मांगा सिंपी का प्रमाण पत्र और प्राप्त किया OBC की CP का। एक साल पूर्व हमारे यहाँ चुनाव हुआ था नगर परिषद का, जिसमें अध्यक्ष के रूप में शैलेन भंडारकर जी चुने गए थे, जिसमें हमने जिस दिन नगर परिषद का जो वोटिंग हुआ था निर्वाचन का, उस दिन हमने एक आपत्ति ली थी कि शैलेन भंडारकर जो है वो गुजरात के रहने वाले हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र जो है वो दस्तावेज जो है वो यहाँ के नहीं है रहवासी, और उन्होंने गुजरात के
राशन कार्ड से या जाति प्रमाण पत्र बनवा के या चुनाव लड़ा है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी ओबीसी है, हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमको इसमें राहत मिले।